हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं मोटो जी 8 प्लस का अनबॉक्सिंग। कॉस्मिक ब्लू एक ही वेरिएंट है इसका, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। कॉस्मिक ब्लू एंड क्रिस्टल पिंक दो कलर में ये आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे 13,999 रुपए में। गाइस, 5 से 6 दिन के बाद मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। रीजन क्या है इसके पीछे नहीं पता। फ्लिपकार्ट पे मैं फीडबैक भी चेक कर रहा था, मैक्सिमम लोगों ने चार्जर नॉट वर्किंग करके कंप्लेन किया। चलिए देखते हैं अपना टर्बो चार्जर काम करता है या नहीं। गाइस, कोई भी स्मार्टफोन हो उसका यूएसपी आपको जरूर देखने को मिलेगा बॉक्स के ऊपर या फिर फोन के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर, जिसे हाईलाइट किया जाता है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा जी 8 प्लस में। इसके साथ साथ आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का एक्शन कैमरा, स्टीरियो स्पीकर, जी हाँ गाइस, डुअल स्पीकर भी आपको देखने को मिल जाएगा जी 8 प्लस में, एंड 4000mAh की बैटरी विद टर्बो चार्जर। बॉक्स के कंटेंट के बारे में बताऊं आपको तो फोन के साथ आपको एक ट्रांसपेरेंट केस मिलेगा, टर्बो चार्जर मिलेगा, टाइप सी केबल मिलेगा, हेडफोन नहीं मिलेगा जिस तरह मोटो जी 5S प्लस में देखने को मिला था, और किसी तरह का कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगा है फोन के ऊपर। गाइस, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ओके लगा मुझे, नथिंग स्पेशल। प्लास्टिक का बॉडी है, वही डुअल शेड वाला इफेक्ट, एंड किसी तरह का कोई टेक्सचर या एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्मूथ फिनिश्ड है, साइड एजेस कॉर्नर्स भी आपको स्मूथ देखने को मिलेगा। 3 कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। बैक में टॉप वाला है अल्ट्रा वाइड एक्शन कैमरा 16 मेगापिक्सल का, एंड दूसरा वाला है मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का, और तीसरा वाला है डेप्थ सेंसर 5 मेगापिक्सल का। उसके नीचे जो आपको कैमरा जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली लेजर ऑटो फोकस है, एंड गाइस रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाएगा विद मोटो लोगो। गाइस, पावर एंड वॉल्यूम बटन राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा थोड़े से ऊपर की तरफ। मेरे ख्याल से पावर बटन को थोड़े से नीचे की तरफ होना चाहिए था, एंड पावर बटन के ऊपर आपको एक टेक्सचर भी देखने को मिल जाएगा जिस तरह आपने पहले मोटो के फोन्स में देखा था। लेफ्ट साइड में आपको डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है क्योंकि हाइब्रिड सिम स्लॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड गाइस, फोन जो है 188 ग्राम्स का, ज्यादा वेट नहीं है लेकिन थोड़ा सा थिक जरूर है 9.09mm का। गाइस, एक एंगल से देखने के बाद जो लाइटर शेड वाला एरिया यानी बॉटम की तरफ, यहाँ आपको थोड़ा सा ग्लास जैसा फील देखने को मिलेगा लेकिन पूरे बॉडी में आपको ग्लास फील जैसा देखने को नहीं मिलता है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड मेन स्पीकर आपको बॉटम में देखने को मिलेगा, हेडफोन जैक टॉप में, एयरपीस सेकेंडरी स्पीकर का भी काम करता है। एयरपीस एंड मेन जो स्पीकर है बॉटम में वो दोनों मिलकर आपको सॉलिड स्टीरियो इफेक्ट देगा, यानी ऐसा लाउड स्पीकर शायद आपने इस बजट में बहुत कम देखा होगा। G8 प्लस में आपको 6.3 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा पांडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ, नो गोरिल्ला ग्लास। एंड गाइस, डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले ब्राइट है, कलर्स भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे, आउटडोर विजिबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इस प्राइसिंग में आपको सुपर एमोलेड वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, और अगर आपने एक बार एमोलेड पैनल वाला स्मार्टफोन यूज़ कर लिया है तब आपको इसका डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं लगेगा। गाइस, कैमरा की बात करूँ तो 48 मेगापिक्सल का मेन शूटर आपको देखने को मिल जाएगा, 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, और मेन हाईलाइट है इस स्मार्टफोन का 16 मेगापिक्सल का एक्शन कैमरा। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो आपको ये फीचर बहुत अच्छा लगेगा, आप वर्टिकली होल्ड करके कैमरा को लैंडस्केप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों हाथों से कैमरा को फ़ोन को पकड़ते हैं ताकि फुटेज जो है वो स्टेबल रिकॉर्ड हो सके, लेकिन अब आप एक हाथ से फ़ोन को होल्ड करके वर्टिकली लैंडस्केप मोड में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। मोटो कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p 30 एंड 60fps, एक्शन कैम आप 1080p 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, HDR, मैनुअल मोड, नाइट विजन, स्लो मोशन, स्पॉट कलर, लाइव फिल्टर जैसे फंक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इनके पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो ब्लर इफेक्ट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। बॉक्स के अंदर जो टर्बो चार्जर एंड टाइप सी केबल था मैंने उससे कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन को चार्ज करना चाहा, लेकिन मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ, चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने एक दो बार प्लग इन प्लग आउट करके एंड पावर ऑन ऑफ करके भी ट्राई करके देखा, मेरा काम नहीं बना। उसके बाद मैंने अपना केबल चेंज करके सैमसंग का केबल यूज किया और इस बार चार्जिंग स्टार्ट हो गया। फिर से मैंने मोटो का जो केबल था उससे ट्राई किया और इस बार मोटो का जो टाइप सी केबल है उससे भी चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। यानी अगर आपके साथ भी इशू हो तो आप एक बार केबल चेंज करके वापस से सेम
केबल, ट्राई करके देखना, होपफुली आपका भी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। गाइस अगर आप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हो, यूट्यूब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, चाहे रिव्यूज़ हो, चाहे वो कॉमेडी वीडियो हो, जो भी हो, अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हो तो ये फ़ोन आपके लिए मस्ट हैव है। बहुत ज़्यादा लाउड है, इसका स्पीकर हेड टर्नर है, यानी जब भी आप इसमें म्यूज़िक प्ले करोगे सामने वाला ज़रूर पूछेगा आपसे ये कौन सा स्मार्टफोन है। गाइस स्पीकर के साथ एक और चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, यानी स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस। अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड के फ़ैन हो तो आपको डेफिनेटली मोटो का सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी स्मूथ, क्विक एंड सिंपल है पुराने ज़माने के डार्क मोड के साथ। गाइज सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को मोटो एक्शंस और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। क्विक कैप्चर, फास्ट फ्लैश लाइट, वन बटन नेविगेशन, लॉक स्क्रीन से ओके गूगल का मज़ा, कैमरा में गूगल लेंस एंड कैमरा टू API की बात करूँ तो आपको लेवल 3 देखने को मिलेगा, यानी आप लेटेस्ट GCam भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड गाइज अगर आप GSI ROM फ्लैश करने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि G8 Plus एक सीमलेस सिस्टम अपडेट वाला यानी AB पार्टीशन वाला स्मार्टफोन है एंड G8 Plus में आपको 64-bit OS देखने को मिलेगा, अनलाइक Moto G5S Plus जिसमें आपको 32-bit वाला OS देखने को मिला था। गाइज फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों ओके है, बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है एंड फिंगरप्रिंट की बात करूँ तो ये एक्यूरेट जरूर है लेकिन स्लो है कॉम्पिटिशन से। गाइज एमोलेड डिस्प्ले को अगर आप इग्नोर भी करो तब भी आपको स्नैपड्रैगन 665 2019 के एंड में इतना इंप्रेसिव नहीं लगेगा, स्पेशली गेमर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैक्सिमम सेटिंग्स जो आप पबजी में अप्लाई कर सकते हो वो है बैलेंस्ड, मीडियम एंड स्मूथ, के साथ आपको हाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्मूथ एंड हाई में आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा पबजी की अगर बात करूँ तो। गाइज इस फोन में दो कमी मुझे लगता है, एक 64GB के साथ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट होना चाहिए था और दूसरा 700 सीरीज का प्रोसेसर। ये फोन एक सॉलिड टक्कर दे सकता था कंपटीशन में क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड का एक बहुत बड़ा फैन बेस बन चुका है। गाइज मोटो के डाई हार्ड फैन को ये अट्रैक्ट कर सकता है, स्टॉक एंड्रॉइड जिन्हें अच्छा लगता है उसमें से कुछ यूजर्स को ये अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन एक बड़े यूजर्स को ये फोन इतना अच्छा नहीं लगेगा कुछ कमी के कारण से। तो मुझे ऐसा लगता है ये फोन ओके है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में कुछ और डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बैटरी के बारे में, चार्जिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में, गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ और जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।